एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, जिस तेजी से इस समय जलवायु परिवर्तन का दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं, यदि इसके मूल में जाएंगे तो हमें इसका उत्तर खोजने के लिए भारत के मनीषियों की जो दूरदृष्टि थी उस तरफ देखना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में वृक्ष हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं और हमारे जो पंचभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको संतुलित करने के लिए उन्होंने विशेष प्रकार के उपक्रम से इस पूरी धरित्री को एक सुंदर बनाने का जो कार्य किया है उस विचार को हमें फिर से देखना होगा। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम इन सारी ऋतुओं का संतुलन कैसे बना सकते हैं। कहीं वर्षा अधिक हो रही है, कहीं वर्षा हो ही नहीं रही है, कहीं जमीनें धसक रही हैं, कहीं पर्वत के पत्थर आग उगल रहे हैं, कहीं वृक्षावलियां नष्ट हो रही हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं पर नदियों का पानी सूख चुका है, कहीं नदियों में बाढ़ आ रही है। अब ये जो विरुद्ध वातावरण चल रहा है इसे संतुलित कैसे किया जाएगा, तो इसके मूल में जब हम विचार करेंगे तो जो भारतीय मान बिंदु हैं उन भारतीय मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वह है हमारे वृक्षों की रक्षा। हमारे वृक्षों को फिर से रोपित करना, उन्हें जीवित करना और उनकी श्रृंखलाओं को बढ़ाते हुए फिर से इस धरित्री के, इस पृथ्वी के संतुलन का कार्य करना। ऋग्वेद तो यहां तक कहता है कि हमारी जो पृथ्वी बनी है वो वृक्षों से बनी है। और इसका मूल जब हम पुराण साहित्य में देखने जाएंगे तो वहां पर भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जो उद्भूत पद्म है, जो कमल है, उस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की कामना की तो सब सर्वप्रथम वृक्षावलियों को उत्पन्न किया और उन वृक्षावलियों के माध्यम से जो उसकी जड़ों में उत्पन्न होने वाला जो मृत्तिका का अंश है, जो पंच महाभूतों का महत्वपूर्ण आधार है, उस आधार को उत्पन्न किया और उसके माध्यम से फिर पूरी की पूरी सृष्टि हुई। जब हम भगवान के दशावतार की तरफ जाते हैं, चिंतन करते हैं, तो वहां पर वृक्षों की उन जड़ों को पोषित करने वाला जो धरती का अंश है, वो धरती का अंश वहां पर हमारे चिंतन में दिखाई देगा। ऋग्वेद के मंत्रों में अश्वत्थ की महिमा कही गई है, अर्थात पीपल वृक्ष की। उसमें ये स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि जिस तरह से पीपल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का जो जीवन है, हमें ये संकेत करता है कि जीवन की जो क्षणभंगुरता है उस क्षणभंगुरता को हम जाने, समझें और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, वृक्ष के तने में भगवान नारायण और वृक्ष की जो शाखाएं, प्रशाखाएं, पत्ते और ऊपर की जो छाया है उसमें भगवान शिव का वास होता है। हमारी सप्तद्वीपा जो वसुंधरा है और जो सातों द्वीप हैं, वो सातों द्वीपों को जरा देखिए कितना गहरा चिंतन भारतीयों का रहा होगा, जिसमें हमारी उस परंपरा में जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जब संकल्प करते हैं तो जम्बू द्वीप है भारतवर्ष है। ये जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा, जिस खंड में जहां पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में जहां पर पाए जाते थे वह जम्बू द्वीप था। इसी तरह से प्लक्ष द्वीप, जहां पर पाकर के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाएं वह लक्षद्वीप, और इसी तरह से भगवान जगन्नाथ जो हैं वो हमारे में इस युग में प्रमुख देवता हैं। और भगवान की मूर्ति किसकी है, दारुमयी है, अर्थात एक विशिष्ट परिस्थितियों में जब उनका कलेवर परिवर्तित होता है 12 वर्ष में एक बार, तब वह नीम के वृक्ष की किसी शाखा जो विशेष प्रकार की होती है और स्वयं उद्भूत होती है, उस शाखा के माध्यम से भगवान का श्री विग्रह स्थापित होता है। इसी तरह से आंवला, हर्रे और बहेड़ा, ये जो धात्री वृक्ष हैं जो जीवन के लिए अमृत तुल्य माने गए हैं, इन वृक्षों को भी हमारे आयुर्वेद शास्त्र में
पूरी तरह से मानव जीवन के लिए समुचित और आयुष्यवर्धक माना गया है। जब हम लोग वृक्ष त्रयी की बात करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तीन वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है और नीम का वृक्ष है। पीपल, बड़ और नीम, ये त्रिवेणी कहलाती है। और इस त्रिवेणी का जहाँ पर स्थापन होता है, ये त्रिवेणी जहाँ पर उगती है, जहाँ पर पल्लवित होती है, पोषित होती है, और इसकी छाया में अनेक रोगों का शमन स्वतः ही हो जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में ये स्थापित कर दिया है कि जो पीपल का वृक्ष है, उसके जो पत्ते हैं वो जब हिलते हैं तो एक मिनट में जितनी बार उनका स्पंदन होता है, उतनी ही बार प्राणी के हृदय की गति का स्पंदन भी होता है। अर्थात जो पीपल का जो पत्ता है, वो हृदय के आकार को लिया हुआ ठीक हमारे हृदय की गति से उसका संबंध जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद में प्रमाण दिया गया है कि शमी के वृक्ष के ऊपर यदि पीपल का वृक्ष उद्भूत हो जाता है और उस वृक्ष में जब जटाएं हों, तो वो जो वृक्ष है वो संतान उत्पत्ति विषय ये श्रेष्ठतम माना गया है। वो जो जटाएं हैं उनका औषधीय प्रयोग करके पुंसवन संस्कार के माध्यम से वह एक परम औषधि का काम करता है। इसी तरह से हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर ऐसे पीपल के वृक्ष मिलते हैं कि उन पीपल के वृक्षों में यदि जटा है तो वह जटा वाला पीपल का वृक्ष बहुत ही उपयोगी माना गया है। जिस जगह पर पुराण साहित्य की संरचना हुई, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, उस क्षेत्र को देखें, उस तीर्थ का नाम बद्रिकाश्रम इसलिए पड़ा है कि वहाँ पर सदियों से नर नारायण तपस्यारत हैं पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए। और भगवान की उस उत्कट तपस्या में भगवती महालक्ष्मी ने बदरी वृक्ष का स्वरूप ग्रहण करके भगवान को आतप आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए छाया की। तो जो बदरी अर्थात बेर के रूप में भगवती महालक्ष्मी जहाँ पर छाया करती हुई उत्पन्न हुई हैं, जहाँ स्थित हैं, वह क्षेत्र बद्रिकाश्रम कहलाता है। जैन आगमों की दृष्टि से जो बड़ का वृक्ष है, वह बड़ का वृक्ष मणिभद्र नाम से जाना जाता है। और बड़ के वृक्ष में जो छाया होती है, जितने भी हम कथानक सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, उसमें एकदा नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के और वहाँ पर सूत जी महाराज से कथा का श्रवण करते हैं। वो कथा कहाँ होती है? विशाल वट वृक्ष के नीचे, जो बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ है। ऐसे ही सिद्धवट पर हमारे पितरों की मुक्ति का स्थान है। अक्षयवट उस तीर्थ में, प्रयाग तीर्थ में अक्षयवट नाम इसलिए है कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जब सृष्टि का अंत है और जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी या हुई, तो उस समय पर सृष्टि के उस संरक्षण में भगवान नारायण किस रूप में थे? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वटवृक्ष के पत्ते पर भगवान स्वयं वहाँ विराजित हैं और अपने हाथ से उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे को लेकर के अपने मुख कमल अर्थात मुखारविंद में उसको प्रविष्ट कराते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। ये जो अक्षय वट है, वंशी वट है, सिद्ध वट है और पंचवटी है, जहाँ पूरा रामायण का आख्यान उद्भूत हुआ है, ये कोई सामान्य स्थल नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया, वामन पुराण में उल्लेख आता है कि यह जो बड़ का वृक्ष है, इस वट वृक्ष की जो छाया है वह साक्षात शिव है। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में वृक्ष भी निकला था, कल्प वृक्ष, जो सीधे स्वर्ग में गया, और उसी में हलाहल विष भी निकला, और उस हलाहल विष को पान करने वाले भगवान शिव स्वयं हैं। और ये जो विष पान है, इस विषपान को कर करके भगवान नीलकंठ हो गए, अपने कंठ में ही उन्होंने उस विष को घोल दिया। तो हमारे जो वृक्ष हैं वो शिव हैं। वृक्षाणाम पतये नमः,
वनानाम पतये नमः। ये जो वैदिक वाङ्मय है, वेद विज्ञान है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि भगवान शिव वृक्षाणाम पति हैं और वो स्वयं विष का पान करके संसार को अमृतत्व प्रदान करने में सहायक बनते हैं, इसलिए शिव हैं, वृक्ष कल्याणकारी हैं। तो जो वृक्ष देवता है, वृक्षेभ्यो नमः, जो वृक्ष देवता है उसकी रक्षा करनी है। और यदि वृक्ष देवता की रक्षा हो गई तो हम अपने पंच महाभूतों को स्वतः ही बचा लेंगे। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, अश्वत्थ वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पिपलाद ऋषि का आख्यान हम सभी जानते हैं कि पीपल के बीजों के माध्यम से पाला गया, इसलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। एक बात और ध्यान रखिए, हमारे पितरों का स्थान कहाँ है, हम ढूंढते हैं पितरों को। और शास्त्र कहता है कि प्रतिदिन हमारे पितर हमारे परिवार में आते हैं, किस समय, मध्यान्ह काल में। और पितर आते कहाँ पर हैं, मध्यान्ह काल में प्रतिदिन आते हैं। उस समय उनकी संतान उनके लिए जब स्मरण करती है, उनके लिए तर्पण आदि कार्य करती है, तब वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वो आकर के बैठते कहाँ हैं, लता गुलमेश। यदि आपके घर में कोई छोटा सा वृक्ष है, कोई लता है, कोई पौधा है, उस पौधे के ऊपर आपके पितर आकर के बैठते हैं, देवियों सज्जनों। इसलिए उस पौधे की रक्षा करना है, उस वृक्ष की रक्षा करना है। और अपने पूर्वजों की स्मृति में यदि आपने एक वृक्ष लगाया तो आपके पितर धन्य धन्य करते हुए आपकी प्रशंसा और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो देवियों सज्जनों, ये जो सारा चिंतन इस बात पर केंद्रित होता जा रहा है, मनुष्य समझ रहे हैं कि हम अपने वातावरण को फिर से कैसे शुद्ध कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ खोया है। किसी समय पर हम जिस जगह पर जहाँ भी निवास करते थे, उन शहरों के आसपास तपोवनों की स्थितियाँ होती थी, बाग बगीचे हुआ करते थे। आज सब जगह पर सीमेंट के जंगल बस चुके हैं। और यही स्थिति है कि आज हाथ धोने के लिए शुद्ध मिट्टी नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, विचरण करने के लिए शुद्ध आकाश नहीं है। और जिसके माध्यम से हम भोजन सुव्यवस्थित ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा अग्नि हमारे यहाँ शुद्ध नहीं है। तो जो हमारे मानबिंदु हैं, जो हमारे जीवन को धारण करने वाले तत्व हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के आधार तत्व हैं, जो प्रकृति के पोषक तत्व हैं, जो जीवन के सूत्र हैं, वो सारे सूत्र बिखर गए हैं। और ऐसे में हमें इन सूत्रों को समेटने के लिए और इन सूत्रों को वापस सुव्यवस्थित करने के लिए वृक्षों को जीवित करना होगा। और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये व्रत लेना पड़ेगा कि हम कम से कम प्रतिवर्ष 10 वृक्ष लगाएं और उन 10 वृक्षों का पालन पोषण करें। दशपुत्र समो द्रुमः, किसी के यहाँ यदि संतान नहीं है तो यदि उसने एक वृक्ष लगाया, वो दशपुत्र समो द्रुमः, वो दशपुत्र की बराबरी के बराबर एक वृक्ष होता है, शास्त्र इसके प्रमाण है। और इसलिए हमें इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि हम पर्याप्त मात्रा में वृक्षों को स्थापित करेंगे, वृक्ष लगाएंगे। और इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के यशस्वी वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प, इंदौर में ही 51,00,000 पौधे सबके सहयोग से, जन सहयोग से, जन आंदोलन के रूप में सबको प्रेरित करते हुए, सबको जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। और वास्तव में इस समय की आवश्यकता है। जब कोई बात ऊपर से प्रारंभ होती है और अंत तक जाती है तो उसके सुखद परिणाम आते हैं। हमारे इंदौर महानगर के प्रथम नागरिक श्री पुष्यमित्र भार्गव जी इसके अंदर पूरी तन्मयता से और अपने पूरे साथियों के साथ इसमें संलग्न हो रहे हैं। हमारे यहाँ के समस्त विधायक गण, सांसद आदि जो कोई भी इसमें सहयोगी बने हैं, ये तो ऊपर से हैं ही, लेकिन एक सबसे बड़ा जो ये संकल्प सार्थक होने जा रहा है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, संकल्प एको हम बहु श्याम,
एक व्यक्ति का संकल्प है लेकिन वो बहुत श्याम बहुतों का संकल्प हो जाता है। और ऐसे महान संकल्प में हम सभी को एक साथ रह करके तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु इस भाव को अपने ऊपर जागृत करते हुए हम विषपाई, भगवान शिव का जो संदेश है कि वृक्ष जो विषपान करके और दुनिया को अमृत दे रहे हैं, उन वृक्षों की रक्षा के लिए अपने आप को सजगता से उसमें संलग्न करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विशेष रूप से इस अवसर पर जिन्होंने इस भाव को भारतीय सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं को मूर्त रूप प्रदान करने का संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पकर्ता यजमान रूप साधिकार रूप से मैं बोलूंगा, क्योंकि यजमान ही शिव स्वरूप होता है, वो यजमान इस संकल्प को सार्थक करे। भगवान विश्वनाथ और भगवान स्वयं वृक्षनाथ उनके ऊपर कृपा करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस संकल्प करने वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी बंधु हैं, विशेष करके हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो इस विषय में एक पहल कर रही है और इस पहल को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सभी जो लोग सारी की सारी हमारी पूरी शासन प्रशासन की जितनी भी हमारी आनुषंगिक संगठनात्मक स्थितियों के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। वृक्षेभ्यो नमः।